नमस्कार दोस्तों, मैं तुहिना रॉय आप सबका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने दुकानदारों को सभी लेन देन एक खाते में लिखते हुए देखा होगा, या आप मॉडर्न टाइम्स में इसे कुछ के द्वारा कंप्यूटर्स पर भी लोड करते हुए देखते होंगे। दोस्तों, इसी कार्य को अकाउंट्स में हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो आइए आज बुक कीपिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन। बुक कीपिंग इज़ डिफाइंड एज एन आर्ट as well as science of recording all financial transactions systematically in a proper way. आशा है दोस्तों आप लोगों को समझ में तो आई नहीं होगी, ऊपर से निकल गया होगा सब। तो आइए मैं इसे डिटेल में आपके साथ डिफाइन करती हूँ। फर्स्ट, बुक कीपिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट। दोस्तों, बुक कीपिंग एक कला है। हम लोग जब ड्राइंग करते हैं दोस्तों, तो हमें एक व्यक्ति का चित्र बनाना होता है। उस वक्त हमें पता होता है कि उसके बाल हमें काले करने हैं, उसके दो हाथ बनाने हैं, दो पैर बनाने हैं, यह हमें पता होता है। उसी प्रकार बुक कीपिंग में भी हमें यह पता होता है कि हमें डेट कहाँ पर लिखनी है, कौन कौन से लेन देन हमने बिजनेस में किए हुए हैं जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। तो दोस्तों, यही लेन देन और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की कला को बुक कीपिंग कहा जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है, बुक कीपिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट, यह एक कला है। एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। दोस्तों, साइंस में जिस प्रकार एक केमिकल से यदि दूसरे केमिकल को मिलाने पर हमें पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक नया केमिकल बनकर आएगा, उसी प्रकार जब एक व्यापारी सभी लेन देन और ट्रांजेक्शन्स को एक स्थान पर डेट वाइज लिखता है, तो महीने के अंत में या दिन के अंत में उसे ये पता चलता है आसानी से कि उसे बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसे कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, सारे पैसों के ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिकली तरीके से, एक के बाद एक, इन अ प्रॉपर बुक, एक पर्टिकुलर प्रॉपर बुक में इसे रिकॉर्ड करने से हम लोग उसको बुक कीपिंग कहते हैं। हिंदी में इस बुक कीपिंग को बही खाता भी कहा जाता है। बही का अर्थ होता है किताब, दैट मीन्स बुक, और खाता जिसमें हम लिखते हैं, तो हम यहाँ रिकॉर्ड्स लिखते हैं। फाइनेंशियल लेन देन को हम इसमें बुक कीपिंग में बुक में लिखते हैं। तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से पता चल गया, मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। बुक कीपिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस सिस्टमैटिकली इन अ प्रॉपर बुक। नाउ हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। टोटल 9 ऑब्जेक्टिव्स है फ्रेंड्स। फर्स्ट, टू नो द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। फ्रेंड्स, जब कोई नया बिजनेस खोलते हैं तो हमें मार्केट में कस्टमर्स के साथ लेन देन करने के लिए थोड़े पैसों की आवश्यकता तो होगी ही, जिससे हम अपने बिजनेस के लिए ही कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे। इसके अलावा हमारी दुकान का लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाड़ा, या हम कहीं भी आना जाना करेंगे तो गाड़ी का भाड़ा वगैरह, कुछ मिलाकर खर्च होते ही हैं। तो ये चीज़ें कि मैंने शुरू में कितना इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में और कितना हमारा बाद में खर्चा हो रहा है हर दिन, उसका हमें पता होना चाहिए। इसलिए जो जो कुछ भी हम खर्चा करेंगे उसको हम एक कॉपी में या किताब में लिखेंगे, उस किताब को ही हम बुक कीपिंग के अनुसार रखते हैं। सेकंड, टू नो द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंडिचर, हमारी बिजनेस में कितना खर्चा हुआ और जितनी भी मुझे प्रॉफिट्स मिली या मेरा जितना भी इनकम हुआ, जो पैसे मेरे पास आए, उन दोनों को भी हम किताब में लिखेंगे, ताकि प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग मैंने कितने पैसे दिए और उनसे मुझे कितने पैसे प्राप्त हुए, यह हमें रिकॉर्ड करके रखना होगा। थर्ड, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। व्यक्ति बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए करते हैं, हमें फ़ायदा चाहिए होता है। तो यदि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और किस ट्रांजैक्शन से कितना प्रॉफिट हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो किस ट्रांजैक्शन में कितना लॉस हो रहा है, वो पर्टिकुलरली अलग अलग डेट वाइज लिख के रखना होगा दोस्तों। उसे ही रिकॉर्ड करने से हमें बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प मिलती है।
फोर्थ टू नो द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द गवर्नमेंट. अब बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों तो गवर्नमेंट को भी विभिन्न प्रकार के टैक्स देने ही होंगे, अन्यथा गवर्नमेंट बाद में आके हमारी दुकान पर क्लेम कर सकती है और बंद करवा सकती है कि आपने टैक्स पे नहीं किया है. तो इसलिए हमें डिफरेंट टाइप्स के टैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक दुकान खोलने पर किन किन टैक्स को गवर्नमेंट को देना चाहिए और किस टैक्स में हमने कितना पैसा गवर्नमेंट को पे किया हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए. ये एक तरीके से बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम बिजनेस के एक्सपेंडिचर में भी इसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि बिजनेस को रन करते वक्त हमें इतना एक्सपेंडिचर हुआ एज अ टैक्स. फिफ्थ पॉइंट, टू नो द टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम आवर डेटर्स. डेटर्स ऐसे व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जिनसे हमने पैसे उधार दिए थे, जिन्हें हमने पैसे उधार दिए थे और हमें उनसे पैसे वापस लेने हैं. तो यह किताब में हमें रिकॉर्ड करके रखना होगा कि हमने किन पर्संस को कितने पैसे दिए हुए हैं और उनसे हमें कितने पैसे ब्याज सहित वापस लेने हैं, या अगर ब्याज को छोड़ के भी अगर हम ले रहे हैं तो हमें कितने पैसे एग्जैक्ट वापस उनसे मिलने हैं, ये हमें रिकॉर्ड करके रखना होगा. अदरवाइज़ बाद में अगर हम भूल जाते हैं तो कोई भी आकर हमें यह क्लेम कर सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं उनसे. तो इससे हमारा बिज़नेस में लॉस हो जाएगा क्योंकि हमने पैसे दिए हुए हैं उनको और हमारा पूरा अधिकार बनता है कि हम उनसे वो पैसे प्राप्त करें. इसलिए हमें जो कुछ भी उधार हमने दिया हुआ है किसी को तो उसका रिकॉर्ड हमें रखना है. सिक्स्थ, टू नो द टोटल अमाउंट पेबल टू अवर क्रेडिटर्स. अब ऐसा तो नहीं होगा फ्रेंड्स कि हम बिज़नेस चला रहे हैं और हमारे पास हर वक्त पूरे पैसे उपलब्ध होंगे. हमने भी किसी से बिज़नेस में उधार लिया होगा तो हमें अपने रिकॉर्ड्स में ये लिख के रखना होगा कि हमने किससे कितने पैसे उधार लिए हुए हैं और उन्हें कितना वापस करना है. इसे भी हम एक्सपेंडिचर के रूप में देखेंगे और एक्सपेंडिचर के सेंस में हम इसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि यह बिज़नेस का एक तरीके से एक्सपेंडिचर है और हमें समय पर यह दूसरे व्यक्ति को वापस दे देना है और जितना लिया है हमने उतना ही वापस देना है या ब्याज सहित थोड़ा ज़्यादा वापस देना है. लेकिन ऐसा ना हो कि किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपये लिए हुए हैं तो वो हमसे बाद में 5-6 लाख रुपये की मांग करने लगे. इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें प्रॉपरली लिख के रखना होगा कि किस डेट में कितने पैसे उधार लिए हुए हैं और किस डेट तक हमें वापस करने हैं. 7th पॉइंट, रिटन रिकॉर्ड्स आर कंसिडर्ड एज लीगल एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट में लिखा हुआ मांगते हैं फ्रेंड्स, किसी के द्वारा बोलने पर नहीं मानते कि हमने इतने पैसों से लेन देन किया हुआ है. इसलिए पैसों के जितने भी लेन देन हो, भले ही वो आपने दे रहे हो या ले रहे हो, पूरी तरीके से उसे बुक्स में लिख कर रखे, सबूत या बिल के तौर पर पेपर रखे. जब पैसे किसी को दे रहे हैं तो उनसे लिखवा ले कि आपने उनसे इतने प्राप्त किए एवं करने हैं इस तारीख तक, और उस कागज़ पर उस सामने वाले पर्सन का हस्ताक्षर भी ले ले, वो एग्री करता हो इस तरीके से कि उसे इतने तारीख तक आपको पैसे वापस देने हैं या आपको देने हैं. इस तरीके से पूरी तरीके से रिकॉर्ड्स अपने पास रखें और उस कागज़ को भी संभाल कर रख दें. 8th पॉइंट, टू नो टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस. एसेट्स क्या होता है फ्रेंड्स? एसेट्स का मतलब होता है मैंने जब बिज़नेस शुरू किया था उस वक्त मैंने खुद से अपना क्या इन्वेस्ट किया था, मैंने खुद से कितने पैसे लगाए थे, मेरी अपनी दुकान है या भाड़े की दुकान है, मैंने फर्नीचर्स कितने पैसे के लगाए थे, जो जो भी फर्नीचर्स लगाए थे उनकी कंडीशन क्या है, या जो कुछ भी लाइट्स वगैरह मैंने खुद से खर्च किया हुआ है, अलमारी वगैरह, सारे जो मैंने अब खुद से लगाए हुए हैं बिज़नेस में वो मेरा एसेट्स है. और लाइबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स? लाइबिलिटी वो चीज़ है जो मैंने बिज़नेस से को चलाने के लिए अगर कुछ लोन लिया है तो वह लोन मुझे भरना होगा. तो वह लोन अमाउंट को जब मुझे पे करना होगा किसी दूसरे को, जो मैंने दूसरे से प्राप्त किया हुआ है, वो लोन अमाउंट मेरे एक तरीके से मेरे बिज़नेस की लाइबिलिटी हुई. 9th पॉइंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इज़ कंपल्सरी एज पर लॉ. तो दोस्तों लॉ कहता है, कानून कहता है कि आप अगर बिज़नेस खोल रहे हैं तो बिज़नेस में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो कुछ भी लेन देन हो रही है आपकी या जो कुछ भी बातचीत हो रही है दूसरे कस्टमर्स के साथ या दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ, उनका एक रिटन रिकॉर्ड्स रखना आपको आवश्यक है. अन्यथा ये कंपलसरी है एक तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग,
तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का, पेमेंट्स का, इनकम्स का, एक्सपेंडिचर्स का, स्टार्टिंग में किए गए इन्वेस्टमेंट का, सबका रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो आशा है फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, विजिट अगेन।